ठीक है 161 से देखते हैं, ऑग्जिलरी फैन से। ठीक है, तो ऑग्जिलरी फैन अपन डेफिनेशन में भी बताए थे क्या होता है ना। तो ये बूस्टर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सॉरी बूस्टर कह रहा, फोर्सिंग भी हो सकता है और एग्जोर दोनों का है ना हो सकता है। ठीक है, ये ऑग्जिलरी फैन अपना जैसे अपन घर में पंखा लगाते हैं स्टैंड व टेबल वाला, उस टाइप का रहता है। ठीक है, किसी फेस में हवा नहीं पहुंच रही है, किसी डिस्ट्रिक्ट में है ना कम हवा है। ठीक है ना, तो वहाँ ब्लास्टिंग करना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं ऑग्जिलरी फैन के माध्यम से हवा भेजते हैं। ठीक है, डक्ट के पाइप द्वारा है ना, तो इसको एक जगह दूसरी जगह बैठा सकते हैं है ना, जब जरूरत पड़े तो। ठीक है, जहाँ हवा नहीं पहुँच रही है डिस्ट्रिक्ट में या एक से ज्यादा फेस में हवा पहुँचाना है, वहाँ अपन किस फैन का यूज करते हैं, ऑग्जिलरी फैन का है ना। ठीक है ना, ऑग्जिलरी फैन समझ में आ गया ना, ब्लास्टिंग करना है वहाँ हवा कम है तो अपन ऑग्जिलरी फैन लगा दिए है ना। तो अब उसके लिए क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले रेगुलेशन याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, 161 क्या है अपना ऑग्जिलरी फैन। ठीक है, अब शुरू करते हैं एवरी ऑग्जिलरी फैन। ठीक है, ए पॉइंट अपना शैल बी इंस्टॉल्ड लोकेटेड वर्क इन सच मैनर। ठीक है, कैसे अपने को स्टार्ट कर इंस्टॉल करना है इसको, पहला कंडीशन दी है अ सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ एयर शैल बी टाइम रीच टू सेट इंश्योर दैट डज नॉट रीसर्कुलेट एयर। ठीक है, देयर इज नो रिस्क एयर विच इट सर्कुलेट बींग कंटेंट वाई एनी सब्सटेंशियल क्वालिटी ऑफ इनफ्लेमेबल नोसिव गैस और डस्ट। ठीक है, मतलब ये एक दोबारा वापस सर्कुलेट होके ना आए। ठीक है, इस तरह से इसको बैठाना है। ठीक है, रिवर्स में। ठीक है, आग वगैरह ना लगे है ना, जहाँ गैसेस है ना, ज्वलनशील गैस है। ठीक है, सेल वेदर ड्राइवन इलेक्ट्रिकली और अदरवाइज भी इफिशियंसी कनेक्टेड विथ अर्थ एंड अवॉइड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज। ठीक है, वो क्या रहता है, अपन को उसको ऐसा बैठाना है कि वो क्या अपनी तरफ खींचता है ना, खींचता है जब वो होता है, तो उसको उस सब चीजों को ध्यान रखना है ना, तो है ना कि मतलब खींचे वगैरह ना है ना इन सब चीजों को। देव एयर डक्ट कंडक्टिंग एयर फॉर्म फेस ब्लाइंड इन विच सेल बी मेंटेन एनी लीकेज एयर इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर विद इन 3 मीटर ऑफ द फेस ऑफ ब्लाइंडेड। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो जहां पर भी अपना ऑग्जिलरी फैन बैठाया जाता है तो फेस से 3 मीटर तक हवा फेंकना चाहिए, कितना फेस से कितना 3 मीटर तक। ठीक है, चारों तरफ इधर 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 है ना, फेस से कितना 3 मीटर हवा है ना। तो ये आया, ये क्वेश्चन आया भी था है ना, ऑग्जिलरी फैन का क्या है, 3 मीटर। सेल वी हैव एयर फोर्स कंडक्टिंग है ना ब्लाइंड विद सेल वी मेंटेन मिनिमाइज एनी लीकेज ऑफ एयर इंश्योर दैट एडुकेट सप्लाई। ठीक है, विद इन 3 मीटर ऑफ द फेस और ब्लाइंड। ठीक है, जहां पे भी उसको बैठाया जा रहा है ना फेस में, ठीक है, उसका जो भी एंड पॉइंट है वहां से 3 मीटर तक हवा ठीक है फेंकना चाहिए। ठीक है, तो ऑग्जिलरी फैन का याद रखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, नो ऑग्जिलरी फैन शैल बी स्टार्ट स्टॉप रिमूव्ड। किसी भी ऑग्जिलरी फैन को ना शुरू करेंगे ना बंद करेंगे ना हटाएंगे ना रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जब तक कि कोई ऑफिशियल पर्सन ठीक है नहीं बोलता है। ठीक है, किसी को परमिशन नहीं है। ठीक है, अगला है नो पर्सन शैल बी इंटर रिमेन इन एनी प्लेस विच इज डिपेंडेंट फॉर वेंटिलेशन। ठीक है, जहाँ ऑग्जिलरी फैन पे डिपेंड है वेंटिलेशन के लिए, हवा के लिए। ठीक है, तो जब तक अपना ऑग्जिलरी फैन चालू नहीं होता है तब तक किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं रहेगा वहां पे जाना उस जगह पे। ठीक है, इंटर करना किसी भी आदमी को। प्रोवाइडेड वेदर वेंटिलेशन एनी सच प्लेस वेयर द स्टॉपेज अदर नो पर्सन शैल बी इंटर। ठीक है, एक्सेप्ट द पर्पस ऑफ रिस्टोरिंग वेंटिलेशन। ठीक है, और सब चीजें वही दी हुई है। फोर्थ, इन एवरी बिलो ग्राउंड माइंड कंडीशन इंस्टॉलेशन 2 or more ऑग्जिलरी फैन इन सेम वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट और स्प्लिट शैल बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर और जनरल ऑर्डर। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, इसको देख लें। ठीक है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर एक से ज्यादा ऑग्जिलरी फैन अपन को बैठाना है एक ही डिस्ट्रिक्ट में स्प्लिट में, तो किसकी परमिशन लेना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर की। क्वेश्चन आएगा कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर एक से ज्यादा ऑग्जिलरी फैन बैठाने हैं तो किसकी परमिशन लेना पड़ेगा अपन को, चीफ इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से अपने बनते हैं। ठीक है, कितने मीटर तक हवा फेंकना चाहिए, जिस भी फेस में लगा रहेगा वहां से कितना
3 मीटर तक, ठीक है। अगर एक से ज्यादा अपने को ऑक्सिलरी फैन बैठाना है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो किससे परमिशन लेंगे? अपना चीफ इंस्पेक्टर से, ठीक है। दो क्वेश्चन, ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं रेगुलेशन 162, प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर वेंटिलेशन अप्लायंसेस, ठीक है। सावधानियां क्या क्या लेनी है, ठीक है, वेंटिलेशन में अगर है ना फायर वगैरह ना लगे इसके लिए, है ना। एवरी मैकेनिकल वेंटिलेटर ऑन द सर्फेस शैल बी इंस्टॉल सुटेबल फायर प्रूफ हाउसिंग, ठीक है। जो भी मैकेनिकल मतलब जो भी पंखा घर रहेगा, है ना, उसको कहाँ बैठाया जाएगा? फायर प्रूफ हाउसिंग, ठीक है, फायर प्रूफ घर के अंदर पंखा अपना रहेगा, ठीक है, जिससे आग वगैरह ना लगे, है ना। फायर प्रूफ हाउसिंग, हाउसिंग के अंदर रहेगा, तो सीमेंट रहता का और भी कुछ अप्लायंसेस उसमें रहते हैं ना, फायर प्रूफ बनाते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे अपना पंखा रहता है, मैं मैकेनिकल वेंटिलेटर, है ना, यहाँ पे दिया है ना एवरी मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है। पहले पॉइंट, इन द केस ऑफ एवरी फैन एंड अदर ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल बिलो ग्राउंड माइन, ठीक है, इन द केस ऑफ एवरी फैन एंड अदर ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल बिलो ग्राउंड माइन कॉल और अदर है ना कॉमेस मटेरियल एक्सपोज साइड रूफ फ्लोर शैल बी गवर्ड विद इन मंसूरू और फायर, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से और ये पूछा भी गया था। इंस्टॉल प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर डिस्टेंस नॉट लेस देन 5 मीटर इन एवरी डायरेक्शन फ्रॉम द फैन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्सिलरी फैन और जो भी अपन जितने प्रकार के फैन बैठाएंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपना पंखा है, ये पंखा है, जिससे हर 5 मीटर पे उसको कैसा बनाना है अपन को, रेता गिट्टी बालू से भर के दिया है ना, क्या बनाना है? फायर प्रूफ। क्वेश्चन आएगा है ना कितने मीटर तक फायर प्रूफ रखना है ना, तो 5 मीटर एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, ठीक है, पंखे के इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर और इधर भी 5 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन को याद रखेंगे थोड़ा सा, है ना, तो हाँ ये सब पूछता है ना अंदर अंदर से। आगे, द कवरिंग ऑफ एवरी शाफ्ट सील्ड ऑफ कवर्ड फॉर वेंटिलेशन पर्पस, है ना, ठीक है। एवरी फैन ड्रिफ्ट डक्ट कंसीड एवरी पार्ट ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन विद सच डिप्ट डस्ट कैसिंग एवरी एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन डोर शैल बी कंस्ट्रक्ट ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल, ठीक है। देखो एवरी कवरिंग, द कवरिंग ऑफ एवरी शाफ्ट सील्ड और कवर्ड फॉर वेंटिलेशन पर्पस, ठीक है, ठीक है। देखो अपना किसको किसको छोड़ देना है, जो अपन ने शाफ्ट में के ऊपर कवर लगाया है ना ढकने के लिए, ठीक है, और कहाँ वेंटिलेशन पर्पस से जो भी कवर किया है उसको छोड़ के बाकी जितना अपना क्या है, वेंटिलेशन फैन है ना, ड्रिफ्ट डक्ट है ना, और क्या है, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, सब क्या होना चाहिए, फायर प्रूफ मटेरियल, फायर प्रूफ पाइप, हाँ, या इसे डक्ट के माध्यम से भेजते हैं हवा जहाँ नहीं पहुंच पाती, तो है ना यूं यहाँ से जाती, उसको कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब क्या रहेगा अपना, हाँ किसी का भी हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना, जो सही सुटेबल जनाई दे। रेगुलेशन सेल भी नॉट अप्लाई स्मॉल लीड और सॉफ्ट कवरिंग ऑपरेटर वाई द रोप केबल, ठीक है। ये रेगुलेशन कहाँ पे अप्लाई नहीं, क्वेश्चन बन सकता है, रेगुलेशन 162 कहाँ पे अप्लाई नहीं है, किस कहाँ किन चीजों पे अप्लाई नहीं है, लीड, ठीक है, सॉफ्ट कवरिंग ऑपरेशन जो अपन करते हैं, ठीक है, बाय द रोप केबल, ठीक है, इन सब चीजों पे अप्लाई नहीं है अपना रेगुलेशन, ठीक है, ठीक है। लीड मतलब पाटा, ठीक है, पाटा ऐसे रहता है, ठीक है, यू लकड़ी का, ठीक है, तो ये सब के लिए रेगुलेशन लागू नहीं होता है, ठीक। अब अगला रेगुलेशन देखते हैं अपना 163, वेंटिलेशन प्लांट टू बी ब्राउट अप टू डेट, ठीक है। तो वेंटिलेशन प्लान कितने महीने में अपडेट करना है, सबको पता है, हर 3 महीने में, एवरी 3 मंथ में, ठीक है, पढ़ाए थे ना पीछे, एवरी 3 मंथ में, ठीक है, अपडेट करना है। फिर अगला क्या है कि, ठीक है,
तो आगे देखते हैं, द मैनेजर सेल इंश्योर डेट हैज सून हैज एनी अल्टरनेशन मेड वेंटिलेशन माइंड इन्वॉल्विंग इरेक्शन और रिमूवल ऑफ एयर क्रॉसिंग स्टॉपिंग अल्टरनेशन पोजिशन ऑफ इंस्टॉलेशन वेंटिलेटर फैन बिलो ग्राउंड द क्रिएशन रिमूवल अल्टरनेशन इंस्टॉलेशन केस में भी नोटिफाई टू द सर्वेयर हु सेल। जब कोई क्वेश्चन बनेगा, देखो किसी भी कंडीशन में अगर अपन एयर क्रॉसिंग को है ना एक जगह हटाते हैं, मतलब दूसरी जगह पे स्टॉपिंग है ना जो भी है ना उसको हटाते हैं, पंखे को एक जगह से दूसरी जगह बैठाते हैं, वेंटिलेशन फैन को है ना इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, बिलो ग्राउंड माइन में जो भी काम करते हैं निकालने का लगाने का बैठाने का फैन को, ठीक है, तो इसकी सूचना मैनेजर तुरंत किसको देगा, सर्वेयर को, ठीक है। फिर सर्वेयर क्या करेगा, तुरंत फोर्थ वीक मतलब होता है तुरंत, तुरंत क्या करेगा उसको वेंटिलेशन प्लान को क्या करेगा अपडेट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि अगर एक जगह दूसरी जगह फैन को बैठाते हैं, एयर क्रॉसिंग में चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो इसकी सूचना कौन देगा, कौन देगा, मैनेजर देगा, किसको देगा, सर्वेयर को देगा। सर्वेयर इसमें चेंज कब करेगा, कब करेगा, तुरंत, ऑप्शन में आता है लिख के, इसमें फोर्थ वीक सीधे ऑप्शन ही आता है, ठीक है, फोर्थ वीक लिखा रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तुरंत आता है फोर्थ वीक क्वेश्चन है मेरे पर, हाँ सेवन डेज ऐसे लिया जाता है, 40 days, फोर्थ ऑप्शन रहता है 30 days, ठीक है, तो क्या रहता है फोर्थ वीक, ठीक है, तो ये याद रखेंगे है ना, ये सब चीजें याद रखेंगे, आगे चलते हैं, ठीक, अगला देखते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1:4 देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन एंड अल्टरनेशन है ना, मतलब ये है कि वेंटिलेशन में अगर कोई बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है तो क्या कंडीशन है, ठीक है, इसको देखते हैं, नो मटेरियल डिब्रिस शैल बी अलाउड टू इन एनी लेवल ड्राइव रोडवे अदर पार्ट ऑफ द वर्किंग बिलो ग्राउंड सो एज द क्या लिखा है इम्पेयर्ड ऑफ द वेंटिलेशन, ठीक है, फिर क्या दूसरा पॉइंट से कोई क्वेश्चन, एवरी रोडवे वर्किंग बिलो ग्राउंड विच इज नॉट एडिक्वेट वेंटिलेट शैल बी फेंस बैरियर, ठीक है, जहां पे भी प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं उसको क्या करके रखेंगे, उस जगह को फेंसिंग करके रखेंगे ताकि कोई कोई पर्सन वहां पे इंटर ना हो, है ना, पता रहे, इफ एनी पर्सन बिकम अवेयर एनी ऑब्स्ट्रक्शन इंटरफेरेंस डिफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन इन एनी माई पार्ट देयर शैल सील है, ठीक है, अगर किसी को वेंटिलेशन की कमी होती है तो क्या रहेगा कंडीशन, फॉल विथ हिज पावर रिमेडली ऑब्स्ट्रक्शन इंटरफेरेंस, है ना, तुरंत उस चीज को सॉल्व किया जाएगा, केस ऑल वर्क एंड प्लेस फोर्थ विथ इनफॉर्म सुपीरियर ऑफिसर सच ऑब्स्ट्रक्शन इंटरफेरेंस डिफिशिएंसी, ठीक है, अगर वेंटिलेशन की कमी होती है तो तुरंत बताया जाएगा अपने से सुपीरियर ऑफिसर को, है ना, कि हाँ हवा कम है, ठीक है, वेन एवर अगर कोई रुकावट आती है, ठीक है, वेन एवर देयर एनी इंटरप्रिटेशन वेंटिलेशन बाय द स्टॉपेज, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल बिलो ग्राउंड द ऑफिशियल चार्ज ऑफ माइन पार्ट शैल बी इमीडिएट टेक प्रिकॉशन मेजर इंक्लूडिंग विद्रावल ऑफ मैन इफ नेसेसरी अगेंस्ट डेंजर डेट में राइज आउट नॉन कॉम्प्लियंस प्रोविजन रेगुलेशन 153 रिस्टोर वेंटिलेशन इन द माइन पार्ट ऑफ, ठीक है, नो पर्सन शैल बी अल्टर जनरल सिस्टम वेंटिलेशन एनी माइन एक्सेप्ट विद द रिटन अथॉरिटी ऑफ द मैनेजर, ठीक है, प्रोवाइड अ केस ऑफ इमरजेंसी ऑफिशियल माइन में कैरी सच अल्टरनेशन हैज ही मे डीम नेसेसरी सेफ्टी पर्सन बट शैल बी पॉसिबल इन्फॉर्म सुपीरियर ऑप्शन मैनेजर अबाउट इन सेम राइटिंग, ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता है, ठीक है, रेगुलेशन अपना याद रखेंगे 164 जोन जोन से रेगुलेशन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है उसको याद रखेंगे, यही बोलता है अगर वेंटिलेशन में कोई बाधा आती है, कोई रुकावट आती है या वेंटिलेशन की कमी होती है, ठीक है, तो वहां से लोगों को निकाल लिया जाएगा, ठीक है, तुरंत अपने सुपीरियर ऑफिसर को सूचना दी जाएगी, ठीक है, चाहे वो रुकावट किसके तो किसी के किसी द्वारा आ रही हो, है ना, चाहे एयर क्रॉसिंग से चाहे जो भी है, ठीक है, तो ये बताया गया अपना रेगुलेशन में, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है, अगला क्या अपना 165 प्रिकॉशन अगेंस्ट गेस्ट ड्यूरिंग डी वाटरिंग एंड रीओपनिंग, इसको थोड़ा सा समझे, जैसे क्या है अपनी कोई माइंस कई दिनों के लिए बंद है, अपन उसको क्या करते हैं रीओपन करते हैं, है ना,
तो वहां पे क्या प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। क्या होती है, कई गैसें क्या होती पानी में घुलनशील रहती हैं, जैसे अपना CO2 वाटर में 100% क्या रहती घुलन, मतलब घुलनशील रहती, मिल जाती है, तो इसका पता नहीं चल पाता है। हाँ, डिजोल्व हो जाती है तो इसका पता नहीं चल पाता है। इसे माइंस बंद है एक आग दो हफ्ते के लिए, ठीक है। तो जब वहां से पानी निकालने जाएंगे, है ना, डी वाटरिंग, ठीक है, तो अपने साथ क्या लेके जाएंगे, अपना फ्लेम सेफ्टी लैंप लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे CO2 वहां पे मिलती है तो फ्लेम सेफ्टी लैंप क्या होता है, बुझ जाता है ना, वो पानी के हिलाव से क्या ऊपर उठती है गैसें, है ना। तो यही सब कुछ बताया गया इसमें, ठीक है, कि डीवाटरिंग और रीओपनिंग करते समय अपन को क्या सावधानियां लेनी है, ठीक है। शुरू करते हैं। नो डिसयूज माइंस शाफ्ट शैल बी डीवाटर एक्सेप्ट अंडर कॉन्स्टेंट सुपरवाइजर कॉम्पिटेंट पर्सन ड्यूरिंग द सच डीवाटरिंग अप्रूव सेफ्टी लैंप, दिया हुआ है ना, इसके द्वारा अप्रूव रहता है सेफ्टी लैंप, चीफ इंस्पेक्टर DGMS टॉर्च सेल भी पढ़े थे रेगुलेशन में, यूज देयर सेल ऑल्सो केप्ट बर्निंग एट एवरी प्लेस वेयर पर्सन आर एट वर्क एट लीस्ट वन अप्रूव फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जो जहां पे मतलब काम नहीं हो रहा है वहां पे अगर जाते हैं तो अपने साथ कम से कम एक फ्लेम सेफ्टी लैम्प लेके जाना है, ठीक। द फर्स्ट इंस्पेक्शन, और कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं जाएगा, कॉम्पिटेंट पर्सन ही जाएगा, कोई सुपीरियर ऑफिसर ही जाएगा, है ना, किसी को अलाउ नहीं रहेगा। द फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ माइन पार्ट विच रीओपन आफ्टर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, ठीक है, पहला इंस्पेक्शन कौन करेगा, जब माइन डिसकंटिन्यू नहीं रहेगी उसको दोबारा खोलेंगे तो, है ना। पीरियड एक्सीडेंट सेवर 7 दिन से अगर ज्यादा बंद है ना, उसको दोबारा रीओपन करना है। पार्ट ऑफ माइन आफ्टर बीइंग डीवाटर शैल बी मेड कॉम्पिटेंट पर्सन विथ अप्रूव फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ठीक है, किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, है ना, अप्रूव सेफ्टी लैम्प लेके जाएगा। अप्रूव बाय डिटरमाइनिंग प्रेजेंस ऑफ इंफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस, ठीक है, कोई भी खतरनाक गैस वहां मौजूद है, ठीक है, उसकी पता लगाने के लिए। अगर ऑक्सीजन की कमी है ड्यूरिंग, है ना, डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, नो एडिशन लाइट लैम्प अदर अप्रूव इलेक्ट्रिक टॉर्च, कोई भी ऐसी लाइट लेके नहीं जाना है, इलेक्ट्रिक टॉर्च लेके नहीं जाना है जो अप्रूव नहीं है, है ना, सिर्फ अप्रूव इलेक्ट्रिक टॉर्च और लैंप लेके जाएंगे। कब, जब माइंस 7 दिन से अधिक के लिए बंद है तब उसका इंस्पेक्शन कौन करेगा, कोई सुपीरियर पर्सन द्वारा ही किया जाएगा, कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा ही किया जाएगा, और फ्लेम सेफ्टी लैंप लेके जाएंगे, फिर गैसेस को पता लगाएंगे, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट, द रिजल्ट ऑफ एवरी सच इंस्पेक्शन शैल बी रिकॉर्ड बाउंड पेज बुक, ठीक है, जो भी इंस्पेक्शन करेगा उसका रिकॉर्ड कायम रखेंगे बाउंड पेज बुक में, ठीक है। पर्पस ऑफ सेल साइन करेगा, डेट डालेगा पर्सन, ठीक है, काउंटर साइन रहेगी, है, एंड क्या रहेगा उसमें, साइन किसकी रहेगी, मैनेजर की, ठीक है। उसके बाद तो ये यहाँ से अपना रेगुलेशन क्या होता है, 165 खत्म, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से पढ़ते हैं। 166 प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लामेबल एंड नॉइजस केसेस, ठीक है, 166 का वेंटिलेशन का रिवीजन, ठीक है, हमने अभी तक कितने क्वेश्चन देखे, ठीक है, उसको ध्यान से देख ले तो अच्छा रिवीजन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। माइन में कम से कम कितने एंट्री गेट, 2 एंट्री गेट, दूसरा माइन में एयर सैंपल कितने दिनों में, 30 दिनों में, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, CO2 कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5%। चौथा क्वेश्चन, पर पर्सन के हिसाब से कितने एयर भेजना माइंस में, तो 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है। प्रोडक्शन के हिसाब से पूछता है तो बताए थे कितना, 2.5, है ना, बताए थे ना, क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है। तो इतनी चीजों को ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर हमने आपसे पूछा कि जनरल बॉडी ऑफ एयर में मीथेन की मात्रा कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होगी, 1.25% से ज्यादा नहीं, ठीक है। रिटर्न में मीथेन की मात्रा कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होगी, तो 0.75% से ज्यादा नहीं होगी। फिर हमने आपसे पूछा कि क्या पूछा हमने आपसे, हाँ, हमने आपसे पूछा कि कम से कम अंडरग्राउंड माइंस में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कि
तो 90% से कम नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए ऑग्जिलरी फैन में डक्ट को रनिंग फेस या ब्लाइंड फेस से कितनी दूरी पर होना चाहिए? 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर? 3 मीटर, अभी बताया ना फेस से कितना, 3 मीटर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड डिग्री माइंस में ब्लास्टिंग के दौरान फेस में कितनी हवा जानी चाहिए? तो 284 मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर थर्ड डिग्री माइंस में पूछेगा ब्लास्टिंग के दौरान फेस में कितनी हवा जानी चाहिए थर्ड डिग्री माइंस में, तो इसको भी लिख लेंगे 300 से कितना, 600 मीटर क्यूब प्रति मिनट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने नहीं बताए थे ना, ये सब छूट जाते हैं। अगला आप बताएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री माइंस में लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन पर एयर का प्रेशर होना चाहिए, ये तो पढ़ा बताए थे, लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन से फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिग्री माइंस में एयर कितनी जानी चाहिए? 30 मीटर प्रति मिनट। 30 मीटर, 30 बताए थे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री माइंस में, 30 मीटर प्रति मिनट जानी चाहिए। ठीक है, आप लोग बताएंगे थर्ड डिग्री माइंस में लॉन्ग वाल फेस के लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में एयर का प्रेशर कितना होना चाहिए, ये भी बताए थे, सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, थर्ड डिग्री माइंस में वो चार्ट बना के समझाए थे, 30 मीटर प्रति मिनट, 45 मीटर प्रति मिनट, जाके देखो, नहीं गलत है, 75 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है।